जय हिंद सभी को। ये है डेल्टा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकित गौतम, आपका अपना इंग्लिश ग्रामर फैकल्टी फॉर डिफेंस एग्जाम्स एंड आल्सो फॉर अदर वेरियस एग्जाम्स। तो ये है मेरी दूसरी वीडियो और हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं शेरशाह की ऑनलाइन सीरीज़, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में सीट्स पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं, वो भी थर्ड बैच की सीट्स पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और इसलिए हमने सोचा कि अब टू बी इकोनॉमिकल हम शुरू करते हैं ये ऑनलाइन सीरीज़ क्वेश्चन सीरीज़, और क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपको कराऊंगा सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल यहाँ से यहाँ है एग्ज़ाम्स में आने की। तो आपको बस अपना ध्यान यहाँ गड़ा के रखना है, मेरे ऊपर गड़ा के रखना है, मेरे ऊपर लगा के रखना है और बस, और सीखते हैं साथ में। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये अपनी नॉलेज को इनक्रीज़ करना कभी भी बुरा नहीं जाता, कभी भी खाली नहीं जाता। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए वो हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे, जो कि बहुत मैं कहूँगा टफ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अमूमन यूज़ नहीं करते, जनरली वी डोंट यूज़ दीज वर्ड्स इन आर डे टू डे लाइफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी टेंड टू फील स्केयर्ड ऑफ ऑल दिस। तो द ट्रिक इज़ टू स्टार्ट यूजिंग देम इन योर डे टू डे लाइफ। चलिए इस टिप के साथ, इस ट्रिक के साथ, वैसे ट्रिक नहीं है, दिस इज़ अ लाइफ ट्रिक। आपको अगर कोई भी भाषा सीखनी है तो उसको बहुत ज़्यादा डेडिकेट होना पड़ता है, और इंग्लिश एक भाषा ही तो है, इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं आती, कुछ नहीं, ऐसा सब कुछ हर कोई सीख जाता है, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। 6 महीने लगते हैं किसी भाषा को सीखने में, और एग्ज़ाम के लिए तो कुछ भी नहीं, आपको तो सिर्फ यहाँ सही और गलत टिक करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक वर्ड दिख रहा है, रिप्यूगनेंस मीन्स घृणा। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, एक तो होती है नफरत है यहाँ, फिर एक चीज़ है एबहोरेंस, वो है यहाँ, रिप्यूगनेंस भी यहीं कहीं है ऊपर। जब आप किसी से इतनी ज़्यादा नफरत करो, व्हेन यू हेट समबडी टू एन एक्सटेंट ऑफ वांटिंग टू किल हिम और हर, इसको बोलते हैं हैव अ स्ट्रॉन्ग रिप्यूगनेंस फॉर समबडी, राइट, और रिप्यूगनेंस टू समथिंग और रिप्यूगनेंस फॉर समबडी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मैंने इसके यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखवाए हैं इसके सिनेनिम्स, और ये सिनेनिम्स आप देख पा रहे हो, एबहोरेंस इसका एक सिनेनिम है, और रिवल्शन इज सेम एज रिपल्शन। रिपल्शन क्या होता है, इसका एंटोनिम होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो है जब आप किसी की तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित उसी की तरफ होते हैं जो आपको आता है बहुत ज़्यादा पसंद, और इसी का विपरीत, दैट मीन्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू दिस इज रिपल्शन। यू जस्ट फील, जस्ट गो अवे, दूर रहो यार मुझसे। तो जब ऐसी फीलिंग आए किसी से कि आई कैन नॉट इवन स्टैंड यू स्टैंडिंग हियर, आई कैंट स्टैंड यू हियर, दैट मीन्स मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता, बात तो छोड़ो, बाकी बात से आगे कुछ और तो छोड़ो, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू यहाँ पे खड़ा रह या तू यहाँ पे खड़ी रह। ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं रिप्यूगनेंस या रिपल्शन या रिवल्शन, इस एक्सटेंट तक जब आप किसी से हेट करते हो। आई होप आई हैव मेड द पॉइंट क्लियर, आपके दिमाग में मैं ये डाल चुका हूँ, रिप्यूगनेंस या रिवल्शन या रिपल्शन या एबहोरेंस। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको लिखा है रिप्यूगनेंस टू समथिंग। अब रिप्यूगनेंस टू समथिंग, समथिंग जब भी मैं बोलता हूँ तो ये ऑफकोर्स इंसान तो हो ही नहीं सकता, समथिंग कोई चीज़ है ना, तो किसी चीज़ से अगर आपको घृणा है तो आप यूज़ करते हो टू, है ना, रिप्यूगनेंस टू समबडी और रिप्यूगनेंस टू समथिंग। इसके आगे स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए क्वेश्चंस डाले, देखते हैं कैसे है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरा मोटिव था क्वेश्चंस डालना
हाँ, खास वास लिया, सब कर लिया, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। His repugnance to public life has been strongly expressed to his father in a letter of a very early date. This is what it is. His repugnance, मैंने कहा था to something. उसकी घृणा, एक मिनट, ये भाग क्यों रहा है? अरे भाग क्यों रहे आयो? यो इधर आग, जो भी, हाँ, तो his repugnance to public life had been strongly expressed. Whose repugnance? His, right? तो his वैसे इस टॉपिक का नहीं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज, ये है एक पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या है, चलो बता ही देता हूँ, लिखने की क्या जरूरत है, ये है एक पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो घृणा है ना, ये किसकी है, इस लड़के की, तो जब भी इसकी, उसकी, इनका, उनका करते हैं हम, तो उस को हम कहते हैं पोजेसिवनेस। आप कभी कभी पोजेसिव होते होगे ना किसी के लिए, फिर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्यों इतना पोजेसिव हो रहा है यार उसके लिए, दैट मीन्स आप चाहते हो कि उस पर मेरा अधिकार हो जाए। हाँ, तो जब आप किसी के लिए पोजेसिव होते हो तो आप क्या चाहते हो कि उसके ऊपर आपका वर्चस्व हो जाए, अधिकार हो जाए, एब्सोल्यूट कंट्रोल, तो आप क्या चाहते हो, अधिकार, पोजेशन चाहते हो, पोजेशन इज कंट्रोल, पोजेशन इज अधिकार, राइट? तो पोजेसिवनेस कैसे डिनोट करते हैं इंग्लिश में, इस तरह के एडजेक्टिव्स के साथ, हिज, हर, माई, योर, इस तरह से हम पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करते हैं। हूज रिप्यूगनेंस, हिज रिप्यूगनेंस, घृणा किसकी है, इसकी है, किसके प्रति है, पब्लिक लाइफ के प्रति, हिज रिप्यूगनेंस टू पब्लिक लाइफ, टू पब्लिक लाइफ, हिज रिप्यूगनेंस टू समथिंग बोला था मैंने, और समथिंग है ये पब्लिक लाइफ। एक चीज और यहां पे नोट करना, समथिंग हमेशा नाउन ही होगा, अरे क्योंकि नाम में ही है ना, समथिंग कोई चीज, अगर चीज है तो उसका होगा नाम, और अगर होगा नाम तो होगा नाउन, और ये है समथिंग की जगह, नाउन की जगह तो केवल नाउन ही बैठ सकता है, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जगह कोई दूसरी रैंक का ऑफिसर नहीं बैठ सकता, चीफ की जगह एक चीफ जाता है, दूसरा चीफ आता है उसी जगह पे, चीफ की जगह पे कोई कोर कमांडर नहीं बैठ सकता, कोर कमांडर की जगह पे कोई डिफ कमांडर नहीं बैठ सकता, डिफ कमांडर की जगह पे कोई ब्रिगेड, डिफ कमांडर की जगह पे कोई ब्रिगेड कमांडर नहीं बैठ सकता, वैसे ही नाउन, जब मैं समथिंग कह रहा हूं तो वो नाउन है, और नाउन की जगह पे तो केवल नाउन ही बैठेगा, तो ये रहा आपका नाउन, हिज रिप्यूगनेंस टू पब्लिक लाइफ हैड बीन स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड इन अ लेटर ऑफ अ वेरी अर्ली डेट। अब हैड बीन, यहां पे हैड बीन तो है हेल्पिंग वर्ब, और एक्सप्रेस्ड है मेन वर्ब, अभी के लिए इतना ही। हैड बीन एक्सप्रेस्ड टू हिज फादर इन अ लेटर ऑफ अ वेरी अर्ली डेट, ऑफ अ वेरी अर्ली डेट का मतलब है बहुत पहले का, किसी पत्र में उसने अपनी घृणा किसके प्रति, एक पब्लिक लाइफ, क्योंकि होते हैं ना जैसे पब्लिक फिगर्स होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, पब्लिक में होती है, तो सार्वजनिक जीवन के प्रति घृणा अपनी, पब्लिक लाइफ मीन सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन के प्रति अपनी घृणा का व्याख्यान, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति उसने कहाँ की थी, एक बहुत पुराने पत्र में अपने पिता को लिखे, पिता के लिए जो लिखा गया था, राइट? तो टू हिज फादर इन अ लेटर ऑफ अ वेरी अर्ली, अगले आगे चलते हैं, माय नोन रिप्यूगनेंस टू द नैरो प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट, माई नोन रिप्यूगनेंस टू द नैरो प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट। यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं जानता हूँ क्योंकि ये सीरीज, क्वेश्चन सीरीज है और टारगेट सीरीज है, ये एग्ज़ाम के लिए है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन एक बार जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं आपके लिए डिटेल्ड, एलैबोरेट, पूरी ग्रामर लेके आऊँगा, और सिर्फ ग्रामर ही नहीं,
मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा है। मैं आपके लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज लेके आऊँगा जो कि आपको एक बेटर इंसान बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि मैं नरेशन का एक कोर्स लेके आऊँगा और ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम हो जाने के बाद मैं आपके लिए नरेशन कोर्स लेके आऊँगा, मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन का एक कोर्स लेके आऊँगा और ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करेगी। और ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ वेल प्लान किया हुआ है, बस उस प्लान को एग्जीक्यूट करना बाकी है, जो कि मैं बहुत जल्द करूँगा बस इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद। ये है प्योरली प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़। तो बिल्कुल डेल्टा डिफेंस एकेडमी के साथ बने रहिए। बहुत बहुत सारे एक्साइटिंग से कोर्सेज मैंने डिज़ाइन करे हुए हैं और कर रहा हूँ और वो मैं जल्द लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई नोन रिप्यूगनेंस टू द नैरो प्रिंसिपल्स। नैरो मीन्स होता है बहुत ज़्यादा संकुचित, संकरे। दैट मीन्स नॉट वेरी ब्रॉड, नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होता है जिसमें सब कुछ ही समाया हुआ हो, समावेशी। लेकिन ये प्रिंसिपल्स का मतलब है सिद्धांत। सिद्धांत कैसे हैं? समावेशी नहीं है, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, है ना। नैरो प्रिंसिपल्स दैट मीन्स दे आर नॉट ऑफ वेरी हाई ऑर्डर, ऑफ अ लो ऑर्डर, थर्ड डिग्री, आई मीन थर्ड जो क्लास। तो यहाँ पे मेरा बस पॉइंट ये था, रिप्यूगनेंस टू समथिंग, टू व्हाट? द नैरो प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट। कि जो लोग सिर्फ टेस्ट के ऊपर ही अपनी सिद्धांत डिसाइड करते हैं, मेरी उनसे घृणा है। माय जो मेरी घृणा है वो सब जग जाहिर है। माय नो इट इज़ नोन टू एवरीबडी। नेक्स्ट, द इनविंसिबल रिप्यूगनेंस ऑफ द इटालियन म्यूनिसिपैलिटीज टू सबमिट टू द मास्टरी, टू सबमिट टू द मास्टरी ऑफ द रिलीजियस पावर। इनविंसिबल का अर्थ होता है अजेय, अजेय, जिसको कभी हराया ना जा सके, अजेय, राइट? द इनविंसिबल रिप्यूगनेंस ऑफ द इटालियन म्यूनिसिपैलिटी। रिप्यूगनेंस, अब आप सोच रहे होगे कि रिप्यूगनेंस के बाद तो टू आता है, लेकिन यहां तो ऑफ आ गया। तो जरा एक चीज देखते हैं यहां पे। जब मैं बोलता हूं रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी, टू समथिंग, ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी टू समथिंग। रिप्यूगनेंस घृणा ऑफ अंकित टू द वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, रिप्यूगनेंस ऑफ अंकित टू द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अभी भी रिप्यूगनेंस टू द वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, लेकिन ऑफ बता रहा है कि ये है किसकी। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं इसके अरेंजमेंट को या इसके फॉर्मेट को, तो मैं कहूंगा अंकित्स रिप्यूगनेंस। टू द
अंकित्स रिप्यूगनेंस, अंकित्स हेट टू द और अंकित्स हेटरेड टू द वेस्टेज ऑफ टाइम. तो है अभी भी टू रिप्यूगनेंस टू समथिंग, रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी, ये मुझे आपको बताना था और इसलिए मैंने ये किया. रिप्यूगनेंस टू समथिंग तो है ही, लेकिन रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी हो सकता है, रिप्यूगनेंस फॉर समबडी भी हो सकता है. तो रिप्यूगनेंस के साथ टू तब जाएगा जब वो किसी वस्तु के प्रति है, लेकिन जिसकी है. ऑफ तो होता ही पोजेशन बताने के लिए है. रिप्यूगनेंस ऑफ होम, समबडी इज रिप्यूगनेंस, तो किसकी है ये घृणा, तो उसको बताने के लिए हम यहाँ ऑफ यूज कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो गया है, तो आपको एग्जाम में ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि क्या रिप्यूगनेंस टू समथिंग डालना है या रिप्यूगनेंस. रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी, राइट, रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी, किसकी घृणा, किसी की घृणा, समबडी, अंकित की घृणा किसके प्रति, समय की, वह समय की बर्बादी के प्रति, राइट. तो ये था वो. अब हम वापस से आ जाते हैं, राइट, ऑल राइट, वी आर बैक ऑन आर स्लाइड्स. हिज रिप्यूगनेंस, तो द इनविंसिबल रिप्यूगनेंस ऑफ द, हम बात कर रहे थे यहाँ पे. तो जैसे अभी आपने सिंपली समझा कि किसकी रिप्यूगनेंस थी, अंकित की, वैसे ही द इनविंसिबल, दैट मीन्स इनडिफीटेबल, इनडिफीटेबल, जिसको जीता ना जा सके, इनडिफीटेबल रिप्यूगनेंस ऑफ द इटालियन म्यूनिसिपैलिटीज, किसकी है ये, इटालियन म्यूनिसिपैलिटीज की घृणा है, किसके प्रति है, टू यहां पे आ गया, किसके प्रति, टू सबमिट टू द मास्टरी ऑफ द रिलीजियस पावर. तो उसकी घृणा है कि वो सरेंडर नहीं कर सकती, सबमिट नहीं कर सकती, गिव अप नहीं कर सकती, किसको, किसी भी धार्मिक शक्ति को, धार्मिक शक्ति के सामने वो समर्पण नहीं कर सकती. तो यहाँ पे रिप्यूगनेंस ऑफ आया है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बता रहा है ये घृणा किसकी है, इटालियन म्यूनिसिपैलिटीज की है, किसके प्रति है, समर्पण के प्रति, सरेंडर, सबमिट मीन्स सरेंडर, राइट. आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर, एंड इफ नॉट यू कैन जस्ट लीव अ मैसेज और लीव अ कमेंट आस्किंग योर क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन विल श्योरली बी एड्रेस्ड. आगे बढ़ते हैं. रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी टू समथिंग, हाँ ऑफकोर्स आगे मैं लिख ही चुका था, लेकिन फिर भी मुझे आदत पड़ी है हर चीज को डिटेल्स में जाने की. रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी टू समथिंग, यहाँ पे इसी क्वेश्चन के लिए है ये जो एक्स्ट्रा जो मैंने नोट लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट जो वर्ड है रिप्यूगनेंस के बाद, दैट इज टेंटामाउंट. यस, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो गई शायद हमारी पीपीटी टीम को, तो उन्होंने इस तरह से इसको कर दिया. दिस इज द सेकेंड वर्ड, दिस इज द सेकेंड वर्ड, और टेंटामाउंट इट इज सिमिलैरिटीज टू, नहीं इट शुड बी सिमिलर टू. टेंटामाउंट मीन्स सिमिलर, सिमिलर टू, ना कि सिमिलैरिटीज. तो आप इसको यहाँ पे इस पे अटेंशन नहीं पे करेंगे. रिप्यूगनेंस ऑफ समबडी टू समथिंग, ये आई हो ये तो क्लियर हो ही चुका है. सेकेंड वर्ड है ये हमारा. अगले से मैं जरा पीपीटी जो हमारी टीम है उसको, टेक्निकल टीम को मैं बता के रखूंगा कि थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जाए. दिस इज द सेकेंड वर्ड, और टेंटामाउंट टू समथिंग मीन्स सिमिलर टू समथिंग, सिंपल, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. सिमिलर टू, उसी की तरह इसको यूज किया जाएगा, आगे के सेंटेंसेस में हमें पता चल जाएगा, राइट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन मैंने इसी वर्ड की, टेंटामाउंट की, इक्विवेलेंट इन वैल्यू, सिग्निफिकेंस और इफेक्ट. तो
महत्ता में, उसकी कीमत में और उसके प्रभाव में। कोई चीज़ बराबर हो, सिमिलर हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आज बाकी के स्टेटमेंट्स हम देखते हैं, हिज स्टेटमेंट वॉज टैंटमाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। अब मैंने शुरू ही किया था पहली चीज़ कि हिज इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट? किसकी स्टेटमेंट? उसकी। वॉज टैंटमाउंट टू, इसकी जगह आप रख दो सिमिलर, सिमिलर टू की स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि इट वॉज सिमिलर टू, किससे मिलती जुलती है? कि जैसे कि वो अपनी गलती मान रहा हो। गिल्ट का मतलब होता है दोष, दोष भाव, कि हाँ आप दोषी हो। और एडमिशन का यहां पे मतलब है मानना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा ज्यादा क्लियर लिखूं तो अच्छा है। एडमिशन यहां पे मतलब है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। गिल्ट मतलब दोष भाव, कि हाँ मैं दोषी हूं, दोष भाव, राइट? तो हिज स्टेटमेंट वॉज सिमिलर टू एन एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट, कि हाँ उसकी स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि वो अपनी गलती मान रहा है, ठीक है? तो सिमिलर टू, शी वॉज अटैक्ड बाई सम मेंबर्स ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी हु आर्ग्यूड दैट, ये क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए था, यहां पे मैंने किलिंग लिखा था। किलिंग थॉमस वॉज टैंटमाउंट टू रेशियल बिट्रेयल। तो शी वॉज अटैक्ड बाय, क्योंकि शी वॉज अटैक्ड बाय सम, ये वॉज अटैक्ड देखिए यहां पे, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म है, दिस इज पैसिव। उसके ऊपर अटैक किया गया किसके द्वारा? बाय सम मेंबर्स ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी, जो डार्क कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनको हम क्या अफ्रीकन अमेरिकन, उन लोगों ने अटैक किया उस इसके ऊपर। और उन्होंने क्या तर्क दिया उसके पीछे? कि थॉमस कोई आदमी था, उसको मारना बिल्कुल एक रेशियल बिट्रेयल, बिट्रेयल का अर्थ होता है धोखा, धोखा। तो वो एक रेशियल का अर्थ है, रेस होती है आपकी नस्ल, तो नस्ल के प्रति धोखा है थॉमस को मारना, है ना? तो इसलिए उसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि शायद इस लड़की ने थॉमस को किसी को मार दिया, और इसकी हत्या के बाद पूरी की पूरी कम्युनिटी ने इसके ऊपर अटैक किया। क्यों, क्या तर्क देते हुए? कि थॉमस की हत्या किसके बराबर है? रेशियल बिट्रेल के बराबर है, राइट? तो अगला सवाल देखते हैं। पहले मैं सब साफ कर दूं, बहुत ज़्यादा अ रिलेशनशिप टैंटमाउंट टू मैरिज, अ रिलेशनशिप सिमिलर टू मैरिज, तो मतलब एक ऐसा संबंध जो बिल्कुल विवाह के जैसा ही है, विवाह के समान है। तो टैंटमाउंट मतलब समान, राइट? तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन जाएगा, आप बार बार, मैं इतने सेंटेंसेस इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बार बार, अ रिलेशनशिप टैंटमाउंट टू मैरिज, अ रिलेशनशिप सिमिलर टू मैरिज, राइट? तो आप, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और इतने सेंटेंसेस एक ही वर्ड और एक ही प्रेपोजिशन को लेके बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके खून में, आपके डीएनए में चीजें विराजमान हो जाए। दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी डीप सीटेड इन योर साइकी, इन योर डीएनए। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अगला वर्ड एबहोरेंस ऑफ, एबोमिनेशन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इसलिए मैंने ये वर्ड लिया ताकि आपको रिपीटेड 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 जब रिपीटेशंस होंगे इतने सारे, तो आपको सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप आराम से वीडियो देखिए, वीडियो से रिलेट करिए, मेरी बातें सुनिए, और आपको खेल खेल में, खेल खेल में पढ़ाई हो जाएगी आपकी। एबोरेंस ऑफ, वन सेकेंड, ऑफ एबोमिनेशन रिवर्शन, पहले हम पढ़ चुके हैं, बाकी ये वर्ड्स तो हम देख चुके हैं। अब बाय द वे, अबहोरेंस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एबहोरेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट
शायद येलो कलर ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन है नहीं यहाँ पे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि घृणा है, ये भी घृणा है, ये भी घृणा है, घृणा को नहीं पकड़ सकते, तीनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउंस हैं। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउंस वो नाउंस होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते अपनी, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस देम थ्रू योर फाइव सेंसेस, राइट। तो यहाँ पे एबहोरेंस, अबोमिनेशन, रिवर्शन, दे आर एंक्शियस टू शो देयर अबहोरेंस ऑफ रेसिज्म, दे आर एंक्शियस टू शो देयर अबहोरेंस ऑफ रेसिज्म, अबहोरेंस ऑफ रेसिज्म, हेट, यहाँ पे अबहोरेंस के साथ आपको ध्यान रखना है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑफ लिखा है, लेकिन अबहोरेंस टू भी उतना ही ठीक है जितना कि अबहोरेंस ऑफ। तो यहाँ पे आप अबहोरेंस ऑफ रेसिज्म करो या अबहोरेंस टू रेसिज्म करो, ये दोनों ही ठीक होंगे। हेट्रेड टूवर्ड्स रेसिज्म, अबहोरेंस ऑफ रेसिज्म या अबहोरेंस टू रेसिज्म, ये दोनों ही ठीक है, राइट। आई एडमायर्ड माई फेलो, ये कंपेयर्स नहीं होगा, होगा ये कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब कंपेनियंस, तो कॉमरेड्स, कॉमरेड्स, राइट। आई एडमायर्ड, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। आई एडमायर्ड माई फेलो कॉमरेड सर्टनली, आई सर्टनली शेयर्ड देयर अबहोरेंस टू और फॉर और ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बट आई वॉज नॉट एसेंशियली अ टीम प्लेयर, राइट। तो मैं बहुत अपने साथियों की को एडमायर करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ, मैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, लेकिन और जो उनकी नफरत है वो मैं भी शेयर करता हूँ, ठीक है ना, तो वो मैं भी शेयर करता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ गुड टीम प्लेयर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपकी बुक्स में सिर्फ यही दिया होता है अबहोरेंस ऑफ, लेकिन आप अबहोरेंस टू भी कर सकते हैं यूज़ और अबहोरेंस फॉर भी कर सकते हैं यूज़। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये तीनों ऑप्शन में आ गए तो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो गया, 1% अगर ऐसा हो गया, तो आप अबहोरेंस टू करेंगे, ठीक है, अबहोरेंस टू समथिंग, अबहोरेंस टू समथिंग, अब माय अबहोरेंस टू समथिंग, राइट। तो अबहोरेंस के साथ मैंने ऐसे आगे दिया हुआ है अबहोरेंस टू, आई हैव एन अबहोरेंस फॉर समथिंग एंड अबहोरेंस ऑफ समथिंग, ऑफ मतलब न्यू मेरी, मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ कि ऑफ पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स दिया ही होगा। द गोट जम्प्ड अ लिटिल बट इट सीम टू मी टू बी, ये मेयर होगा यहाँ पे, मेयर का मतलब होता ओनली, सिर्फ केवल, राइट। द गोट jumped a little but it seemed to me to be more out of surprise than abhorrence. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी preposition यूज नहीं है, तो मैसेज ये, crux ये कि ऐसा नहीं है कि अगर किताब में सिर्फ ये दिया है तो सिर्फ ये ही सही है। जो कुछ भी आजकल चल रहा है, मैंने ये sentences जो लिए हैं मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, ये मैंने रिसेंटली यूज्ड सेंटेंसेज हैं आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, और एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है जो कि ट्रेंड में होता है। तो इसलिए किताबों को हम पढ़ते रहेंगे तो हम सिर्फ किताबों में ही रह जाएंगे, और इसलिए ताकि आप किताबों में ना रहें, ताकि मैं किताबों में ना रहूं, मैं करता रहता हूं बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च, और रिसर्च कर करके मैं आपके लिए लाता हूं सेंटेंसेस और कंटेंट। आगे बढ़ते हैं, द कोट जम्प्ड अ लिटिल बट इट सीम टू मी टू बी मेयर आउट ऑफ सरप्राइज देन अबहोरेंस देन हेट, है ना। तो यहाँ पे सरप्राइज और हेट या अबहोरेंस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउंस हैं,
क्योंकि ना तो आप किसी के सरप्राइज को पकड़ सकते हो और ना ही किसी की नफरत को, राइट? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको मैसेज आई होप बिल्कुल क्लियर मिल गया है कि सिर्फ ऑफ यूज़ हो ऐसा नहीं है, क्योंकि किताब में सिर्फ ऑफ दिया है, नहीं, टू भी यूज़ कर सकते हो, फॉर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर कुछ भी यूज़ नहीं करना, इस तरह से यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है? द गोट जम्प्ड अ लिटिल बट इट सीम टू मी टू बी मेयर ओनली आउट ऑफ सरप्राइज देन एबहोरेंस देन हेट और देन डिस्गस्ट। इसका एक सिनोनिम ऑफ कोर्स डिस्गस्ट भी हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, डिस्गस्ट। अगला वर्ड है, तीसरा वर्ड हमारा अशेम्ड ऑफ। अशेम्ड ऑफ मीन्स आप जब बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करें, यू आर अशेम्ड ऑफ समथिंग, यू आर अशेम्ड ऑफ योर समथिंग एंड यू आर ऑल्सो अशेम्ड फॉर समथिंग। देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। अशेम्ड का एक सिनोनिम मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, शेम फेस्ड। शेम फेस्ड ये इसका सिनोनिम है। इफ़ आई एम शेम फेस्ड दैट मीन्स आई एम अशेम्ड ऑफ समथिंग दैट आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, जिसके लिए मेरी शक्ल पे शर्म क्लियरली दिख रही है, हया और एम्बेरसमेंट दिख रहा है, शर्मिंदगी दिख रही है, राइट? ही वॉज डीपली अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, अशेम्ड ऑफ, देख रहे हैं? लूजिंग इज नथिंग टू बी अशेम्ड, आपको एग्जाम में यहीं तक दे देगा। अब आपके लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाल दिया है बीच में, ये मैं दिख भी रहा हूँ, दिख रहा हूँ मैं यहाँ तक, हाँ, आपके एग्जाम में यहीं तक आएगा ये क्वेश्चन। लूजिंग इज नथिंग टू बी अशेम्ड, आपको यहां करना होगा ऑफ, स्पॉट द एरर में आपको यहीं तक आ जाएगा और कहेगा गलती कहां है, आप कहेंगे गलती तो यहां है सी पार्ट में, ठीक है? तो ये इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगला, अंकिता फेल्ड अशेम्ड फॉर हिटिंग हर ब्रदर, राइट? तो यहां पर देखो, अंकिता फेल्ड अशेम्ड ऑफ नहीं, फॉर आया है। तो अगली स्लाइड में मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर कब आएगा और ऑफ कब आएगा, तो देखते हैं। हाँ, यू आर अशेम्ड फॉर डूइंग समथिंग, अंकिता इज अशेम्ड फॉर हिटिंग हर ब्रदर, तो ये डूइंग समथिंग फॉर व्हाट, ये है फॉर डूइंग समथिंग, फॉर हिटिंग, अशेम्ड फॉर डूइंग समथिंग, अशेम्ड ऑफ समथिंग, I am ashamed of something और I am ashamed for doing something, तो दोनों ही ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। आपके एग्जाम में अब फिर आपका सवाल होगा, सर दोनों में चॉइस आ गई तो नहीं आएगी, ठीक है? I am ashamed for having done it, I am ashamed for something, having done it, ये करने के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है diffident, बहुत ही अच्छा वर्ड, और ये कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, डिफिडेंट ऑफ समथिंग, कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, यू आर डिफिडेंट अबाउट समथिंग, यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ समथिंग, यू आर डिफिडेंट ऑफ, बिल्कुल उल्टा है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट मीन्स योर एनर्जी लेवल्स आर हाई, योर होप्स आर हाई, बट इफ़ यू आर डिफिडेंट योर एनर्जी लेवल्स आर लो एंड योर होप्स आर जस्ट शैटर्ड, दैट मीन्स होप्स आर समवेयर एट द बॉटम, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं, इसका काफ़ी सारे मैंने सिनोनिम्स डाल दिए हैं। डिफिडेंट इज़ आल्सो शाय, इट इज़ हम्बल, इट इज़ बैशफुल, इट इज़ मॉडेस्ट। तो ये, हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, कभी भी किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो शब्द बिल्कुल सेम मीनिंग्स रखे, नहीं। अगर ऐसा होता कि दो शब्दों का बिल्कुल एक ही मीनिंग है, तो दो शब्दों की फिर आवश्यकता ही क्या थी, देर वॉज नो नीड एक्चुअली। इफ बोथ द वर्ड्स कैरी द सेम मीनिंग, देन वेयर वॉज द नीड? इफ देर आर टू वर्ड्स, दैट मीन्स द सेकेंड वर्ड और बोथ द वर्ड्स कैरी डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है ना? तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। इसलिए ये भले ही एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको टिक करोगे, लेकिन क्या इनका एग्जैक्ट सेम मीनिंग है? तो आंसर है नहीं, सबका अपना अपना मीनिंग है, किसी का नेगेटिव मीनिंग है, किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव मीनिंग है तो किसी का है पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव मीनिंग है तो किसी का है पॉजिटिव। जैसे डिफिडेंट तो है ही नेगेटिव, शाय न्यूट्रल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, हम्बल पॉजिटिव है, इफ़ यू आर हम्बल यू आर विनम्र, एंड विनम्र होना
is no negativity, it is positivity. Modest is again positive. If you are modest, you are not very proud, and you are also not very low. आप बीच में हो, मॉडरेशन में हो, मॉडेस्ट, राइट, मॉडेस्टी आपकी गरिमा. बैशफुल ये शर्मिंदा है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे. आप इस शब्द को समझ गए हैं कि डिफिडेंट इज द ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट. आगे बढ़ते हैं. ही इज डिफिडेंट अबाउट एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन इन द पब्लिक. इसके साथ जो आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट की तरह ही करेंगे. जैसे कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग होता है, वैसे ही डिफिडेंट अबाउट समथिंग होता है. यू शुड नॉट बी डिफिडेंट अबाउट योर अचीवमेंट. आप अपनी उपलब्धियों को कम ना आकें. यू हैव डन रियली वेल, आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है. तो डिफिडेंट अबाउट बींग सस्पिशियस ऑफ कन्वेंशंस, डोमेस्टिक इक्वल्स वर ऑफन एट अ लॉस इन देयर डेली एनकाउंटर्स. शैल वन एक्ट डिफिडेंट और क्लेमेंट ऑफ वंस राइट्स. ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, इसलिए मैंने आपके लिए लिया है. ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से लिया है मैंने. बींग सस्पिशियस ऑफ कन्वेंशंस, कन्वेंशंस का अर्थ है ट्रेडिशंस, जो अब तक होता आया है वो. अगर उर्दू में कहूँ तो निज़ाम. कन्वेंशंस मतलब ट्रेडिशंस. और डोमेस्टिक इक्वल्स, डोमेस्टिक इक्वल्स से यहाँ पे तात्पर्य है जैसे घरेलू, जैसे सारे लीडर्स जो एक लेवल पे जो सारे लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. ये सारे लीडर्स, ये जो डोमेस्टिक इक्वल्स थे, ये सारे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि एक व्यक्ति को, दैट मीन्स उनको कैसे एक्ट करना चाहिए. डिफिडेंट यानी कि लो ऑन कॉन्फिडेंस, या फिर उनको कॉन्फिडेंटली अपने अधिकारों का मांगकर्ता बनना चाहिए. क्लेमेंट, इफ़ यू क्लेम समथिंग, द वन हु क्लेम्स, जो कोई किसी चीज़ को डिमांड करता है, मांग करता है, उसको बोलते हैं क्लेमेंट. जैसे मैं अगर कुछ क्लेम करता हूँ तो आई एम अ क्लेमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे है शैल वन एक्ट डिफिडेंट और क्लेमेंट ऑफ वन राइट्स. तो यहाँ पे डिफिडेंट ऑफ, क्लेमेंट ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे डिफिडेंट आप देख रहे हो, डिफिडेंट के साथ ऑफ आया है और क्लेमेंट के साथ भी ऑफ आया है. तो हियर यू आर डिफिडेंट अबाउट समथिंग और डिफिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग, बट हियर यू आर डिफिडेंट ऑफ समथिंग. तो आप इन अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है. यहाँ पे डिफरेंट के साथ ऑफ भी यूज होता है, डिफरेंट अबाउट बिल्कुल कॉन्फिडेंस की तरह ही सब कुछ, ठीक है. आगे बढ़ते, वैसे अब तक फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही चल रहा है और क्या ही चल रहा है, बीच में हेडिंग पता नहीं क्यों आई है, कोई बात नहीं. अगला वर्ड है ट्रैम्पल अपॉन और ट्रैम्पल ऑन. इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, टू कॉज डैमेज बाय वॉकिंग. जब आप इस तरह से किसी चीज़ को कुचलना चाहें, अपने पैरों तले रौंदना चाहे, तो उस रौंदने को बोलते हैं, रौंदने को बोलते हैं. जैसे हाथी क्या करता है, रौंद देता है, तो ट्रैम्पल कर देता है. स्टैम्पिंग ऑन समथिंग और समबडी, ठीक है. स्टैम्पिंग जब आप इस तरह से ही कर देते हैं, इसको बोलते हैं रौंदना. आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हैं. द वर्कमैन ट्रैम्पल्ड क्या होगा अपॉन, द वर्कमैन ट्रैम्पल्ड अपॉन, द वर्कमैन ट्रैम्पल्ड अपॉन माई फ्लावर बेड. जो मेरी फूलों की जो सेज थी उस पे ये काम करने वालों ने, कर्मचारियों ने उसको रौंद डाला. और पता नहीं ऐसा क्या किया होगा कि कर्मचारियों ने रौंद डाला, लेकिन अपने काम की चीज़ वो है कि ट्रैम्पल के साथ ऑन आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफिडेंट के साथ अबाउट आता है, डिफिडेंट के साथ ऑफ आता है, राइट. आगे बढ़ते हैं. दे आर ट्रैम्पलिंग, ऑप्शन में देखो क्या है, ऑन, राइट. तो मैंने आपको इसलिए ब्रैकेट में दिया था कि भी आ सकता है
और अपॉन भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में अपॉन नहीं मिला तो क्या हुआ, परेशान होते रहोगे, यहाँ पांचवा ऑप्शन बना लोगे, नहीं, जो कुछ ऑप्शन में है उसी से आपको काम चलाना है और यहाँ पे है ऑन, राइट। तो वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे अधिकारों को कुचल रहे हैं, ये है मीनिंग इसका। तो कभी भी आप किसी के अधिकारों को ना कुछ लें। जब आप कल को एक फौजी अफसर बनेंगे तो आप ध्यान रखिए कि आप फौजी अफसर देश की सेवा और देश की सुरक्षा के लिए है, किसी के अधिकारों पे ट्रैम्पल करने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल आर ट्रैम्पल्ड, जानबूझ के मैंने सेंटेंस डाला है आपको, दो सेंटेंसेस मैंने कराए अपॉन और ऑन वाले, लेकिन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं होता किसी वर्ड का, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं एक शब्द के। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको एस्पेक्ट्स पता चले। आर ट्रैम्पल्ड टू लगाओ यहाँ पे, ना ऑन आएगा ना अपॉन आएगा। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। व्हेन यू, अच्छा आर तो है बी ट्रैम्पल्ड टू डेथ, इसका मतलब रौंद कर मार डालना किसी को या रौंद कर मारा जाना। तो इफ यू आर ट्रैम्पल्ड टू डेथ और इफ यू आर ट्रैम्पल्ड टू ब्रोकन बोन्स, तो इसका मतलब आप किसी ने आपको इतना रौंदा कि आपको या तो किसी ने आपको इतना मारा या फिर आपको इतना रौंदा कि आपकी हड्डियां टूट गई। तो ट्राइंग टू, मैनी पीपल आर ट्रैम्पल टू डेथ ट्राइंग टू एस्केप द कार्नेज। अच्छा कार्नेज क्या होता है, कार्नेज होता है मास मर्डर, ये आपका एक वोकैबुलरी का वर्ड है यहाँ पे और आपको याद रखना है। कार्नेज इज स्लॉटर, कार्नेज इज जेनोसाइड, जो हिटलर ने किया था दैट इज कार्नेज। जब आप पूरी तरह से नरसंहार करते हैं उसको बोलते हैं कार्नेज। आगे बढ़ते हाँ, ये ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे तो मैं भूल जाता हूँ कि आगे है, तो इसलिए मैं बताने लगता हूँ। नोट, कार्नेज इज इक्वल्स टू स्लॉटर। और यहाँ पे जो मैंने आपको थर्ड सेंटेंस में बताया था कि आर ट्रैम्पल टू डेथ, उसका ये एक्सप्लेनेशन है, ये उसका फॉर्मेट है जिस तरह से इसको यूज किया जाता है। बी आर बी ही होता है, इज एम आर वॉज फॉर, देयरफॉर बी ट्रैम्पल टू डेथ व्हेन समबडी इज बिल्ड, नहीं बाबा यहाँ पे किल्ड होना चाहिए था, थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये होना चाहिए था किल्ड। इन अ स्टैम्पीड, स्टैम्पीड होता है जब बहुत सारे लोग भागते हैं और एक दूसरे के पैरों के नीचे आ जाते हैं, एक दूसरे के स्टैम्प्स के नीचे आ जाते हैं, उस एक्ट को कहते हैं स्टैम्पीड। तो कुचल कुचलाहट जो हो जाती है कभी भीड़ भाड़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है अपना एसिडियस, कमाल का वर्ड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा वर्ड और आपको आना चाहिए। और क्योंकि ये प्यारा है तो मैं आपको समझाऊंगा इसे बहुत प्यार से, लेकिन प्यार से समझाऊं इससे पहले कुछ हो गया है यहाँ पे, इसको ठीक करते हैं। हाँ, बैक टू द स्लाइड। एसिडियस इन, एसिडियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हार्ड वर्किंग। इफ यू आर एसिडियस यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर हार्ड वर्किंग इन समथिंग, यू आर हार्ड वर्किंग इन समथिंग। लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ हम इन यूज नहीं कर सकते, लेकिन एसिडियस के साथ हम करते हैं। एसिडियस इन इन, ये मैंने सिनोनिम्स दिए हुए सारे ताकि सिर्फ आपके प्रेपोजिशंस ना हो, आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो। इफ़ यू आर एसिडियस यू आर इंडस्ट्रियस, अगर आपने CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अगर आपने ध्येय वाक्य या मोटो जो उनके लोगों पे लिखा रहता है, अगली बार आप जब CBI ये अगली बार क्यों, आप अपने फ़ोन पे सर्च करिएगा कि उसका मोटो क्या है CBI का, उसके जो लोगों पे बना रहता है उसके लिखा रहता है, ध्यान अब तक नहीं दिया होगा लेकिन अब आप देंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा वहाँ पे, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, राइट, वेरी हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट एंड सेड्यूलस, ये सेड्यूस नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को सेडक्टिव कुछ दिख रहा हो तो ना दिखे, ये सेड्यूलस है, एंड सेड्यूलस इज एसिड्यूस इज हार्ड वर्किंग, ये सारे सिनोनिम्स है।
आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज बीन एसिडियस इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। दर वृद्धि, कीमतों में जब बहुत भारी उछाल आता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, कीमतों में वृद्धि एबनॉर्मल। द गवर्नमेंट हैज बीन एसिडियस इन द फाइट अगेंस्ट, तो जो सरकार है वो बहुत ज्यादा अग्रसर, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज्यादा परिश्रमी रही है। किसमें? एसिडियस मीन्स हार्ड वर्किंग, इट मीन्स डिलिजेंट, इट मीन्स इंडस्ट्रियस, इट मीन्स सेड्यूलस इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो इन यहाँ पे राइट आंसर है, पहले ही भरा हुआ था, आपका काम आसान कर दिया। लेकिन अब से आने वाले वीडियोज में ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कोई बात नहीं, कभी कभी आसान कभी कभी मुश्किल होना चाहिए। अंकित हैज बीन एसिडियस इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। अंकित हैज बीन एसिडियस इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज इन, एसिडियस इन है ना, नॉट अबव, नॉट अराउंड, नॉट ऑन, हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अंकित बहुत हार्ड वर्किंग है कि नई भाषा को सीखने में, ठीक है। आगे अगला वर्ड है एंडोविड, एंडोविड टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू अ स्कूल हॉस्पिटल। जब आप किसी को कोई दान देते हैं उसको बोलते हैं एंडो हिम विद समथिंग, दैट मीन्स अभी आप देखेंगे इसका यूज़ कैसे होता है। पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद यूज़ देखेंगे। द वेल्दी कपल एंडोर्ड द हॉस्पिटल। एंडो के साथ हमेशा विद आता है, एंडो विद, राइट। द वेल्दी कपल, जो बहुत ज़्यादा धनी जोड़ा है, मतलब पति पत्नी कपल, मतलब द वेल्दी कपल एंडोर्ड द हॉस्पिटल, एंडोर्ड समबडी विद समथिंग, अ न्यू विंग, एक नया ब्लॉक दे दिया हॉस्पिटल को, एक नई बिल्डिंग बनवा दी, तो विद आएगा यहाँ पे। ये रहा आपका राइट आंसर, अगले सवाल पे चलते हैं। The money will be used to endow the museum with a research facility. Is endow somebody with something? तो यहाँ पे endow somebody with something. Museum को क्या दिया? एक नई research facility जहाँ पे research की जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये स्लाइड बनवाई है, और द वर्ड एंडो कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट एनी प्रेपोजिशन, वो दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पे ये दो यूजेस हैं एंडो के, दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक एंडो समथिंग टू समबडी और एंडो समबडी विद समथिंग। ये यहाँ पे समबडी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे समथिंग होना चाहिए था, ये रॉन्ग किया है, समबडी नहीं समथिंग होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो एंडो समथिंग टू समबडी, एंडो अ रिसर्च फैसिलिटी टू द म्यूजियम, और एंडो द म्यूजियम विद अ रिसर्च फैसिलिटी, राइट। तो आप फर्क देख पा रहे हो, फर्क क्या होता है, फर्क अंतर देख पा रहे हो, इसलिए ना मैं फर्क बोलता हूँ ना फर्क बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अंतर। तो डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे कैसे, एंडो द म्यूजियम और एंडो अ रिसर्च फैसिलिटी टू द म्यूजियम, एंडो द रिसर्च फैसिलिटी टू द म्यूजियम, एंडो द म्यूजियम विद अ रिसर्च फैसिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ही नाउ इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्ड डॉक्ट्रिन्स एंड प्रोसीडेड टू एंडो प्रोटेस्टेंट चर्चेज एंड स्कूल्स थ्रू आउट हिज लैंड। ये थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक भारी मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ मैं आपको गलत चीज़ें और मिस्टेक्स को रहने नहीं देता हूँ। दिस इज़ गलत, यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ही नाउ इंट्रोड्यूस्ड द रिफॉर्म्ड डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स का अर्थ होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत
या प्रिंसिपल्स इसका सिनोनिम होता है, प्रिंसिपल्स। इसका एक और सिनोनिम होता है मैक्सिम्स। ये मैं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। इसका एक और सिनोनिम होता है टेनेट्स। तो ये सब सिद्धांतों के अलग अलग अंग्रेजी नाम है जो कि हमें पता होने चाहिए, प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन्स, मैक्सिम्स, टेनेट्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ही नाउ इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्ड डॉक्ट्रिन्स एंड प्रोसीडेड टू इंडो प्रोटेस्टेंट चर्चेस एंड स्कूल्स थ्रू आउट हिज लैंड। तो यहां पे ये दान दे रहा है, क्या ये दान दे रहा है? चर्चेस, मतलब चर्चेस बनवा रहा है और स्कूल्स बनवा रहा है पूरे इलाके में, थ्रू आउट द लैंड, ठीक है। तो यहां पे बस एंडो समथिंग आया है, टू किसको दान दिया जा रहा है ये नहीं आया है। तो एंडो समथिंग टू समबडी जो है वो यहां पे मिसिंग है, कोई बात नहीं, बट इस तरह से हम यूज करते हैं, यू एंडो समथिंग टू समबडी, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे वो समथिंग चर्चेस हैं और स्कूल्स हैं। ये मुझे लगता है आखिरी वर्ड है मेरे ख्याल से, नहीं आखिरी नहीं है, अभी बहुत दो तीन स्लाइड्स बची हैं। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन, रिमिस का मतलब होता है और इसके साथ जो प्रेपोजिशन जाता है वो इन होता है, इसलिए मैंने ये बोल्ड एंड कैपिटल में, यहाँ पे कैपिटल तो नहीं है, स्मॉल है, बट बोल्ड एंड स्मॉल में मैंने आपके लिए यहाँ पे इन लिख दिया है। नॉट शोइंग इनफ केयर एंड अटेंशन इज वॉट रिमिस इज। दैट मीन्स इफ यू मिस आउट ऑन समथिंग एंड दैट समथिंग इज केयर एंड अटेंशन, इफ यू मिस आउट ऑन केयर एंड अटेंशन दैट मीन्स यू आर रिमिस इन समथिंग। देखते हैं, रिमिस का एक सिनोनिम हीडलेस, दूसरा है रिगार्डलेस, तीसरा है नेग्लेक्टेड। नहीं, नेग्लेक्टेड नहीं होना चाहिए था, ये नेग्लेक्टफुल होना चाहिए था। नेग्लेक्टेड तो वो होता है जिसको नेग्लेक्ट किया गया हो, और नेग्लेक्ट जो करता है वो रिमिस करता है, ठीक है। तो यहां पे नेग्लेक्टफुल होना चाहिए था, नेग्लिजेंट, नेग्लेक्टफुल इज नेग्लिजेंट इज इनअटेंटिव, जो ध्यान ना दे। तो अगर आप ध्यान से मुझे नहीं सुन रहे हो, ये सब नहीं देख रहे हो, तो आप कैसे हो? यू आर रिमिस इन स्टडींग, यू आर रिमिस इन वॉचिंग दिस लेक्चर, दैट मीन्स यू आर हीडलेस इन वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। शी वॉज एक्सट्रीमली रिमिस इन परफॉर्मिंग द टास्क। तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख ही चुके, यू आर रिमिस इन परफॉर्मिंग द टास्क। चार ऑप्शन हैं, आपको चार में से चुनना है डी। तो इसमें एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रिमिस, आ तो आप इसको मिस को याद रखोगे। मिस को कैसे याद रखोगे? कि इफ़ यू मिस द केयर एंड अटेंशन दैट इज़ वॉरेंटेड आउट ऑफ यू, दैट मीन्स यू आर रिमिसिंग इन समथिंग, और यू आर रिमिस दैट मीन्स यू आर हीडलेस, यू आर इनअटेंटिव, यू आर नेग्लिजेंट, यू आर नेग्लेक्टफुल, यू आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट तो इसका सही वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप रिमिस होगे तभी तो आप इग्नोरेंट बनते जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर रिमिस इन, अगेन इसमें इफ यू आर रिमिस इन टेकिंग द ब्रेड आउट ऑफ द ओवन, ओवन इट विल बर्न। अगर आप हीडलेस या अगर आप ध्यान नहीं दोगे ब्रेड को ओवन से निकालने का, तो वो जल जाएगा, बहुत कॉमन सी बात है। और अगर आप रिमिस हो जाओगे पढ़ने में या मेहनत करने में, तो यू विल बर्न योर फ्यूचर। ऐसा है नहीं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही बोला जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया। रिमिस प्लस इन प्लस जेरेंड, अगर आपने देखा होगा पिछले सारे सेंटेंसेस में, तो हर जगह यही आ रहा है, रिमिस इन टेकिंग, ओके, रिमिस इन परफॉर्मिंग, रिमिस इन डूइंग समथिंग, है ना। तो इफ यू आर रिमिस इन डूइंग समथिंग दैट मींस वो है जेरेंड। यहाँ पे रिमिस प्लस इन प्लस जेरेंड। रिमिस कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट एनी प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग मैनर, राइट। तो ये है
रिमस के साथ आप इन्फिनेटिव भी डाल सकते हो, जेरेंड तो डाल ही सकते हो ऑफकोर्स, बट जेरेंड इन के बाद, लेकिन टू इन्फिनेटिव विदाउट एनी अदर प्रेपोजिशन। तो लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए इसलिए दिया है ये, दे वर रिमिस टू इग्नोर द स्मॉल बट ग्रोइंग कंटिंजेंट ऑफ यूजर्स, दैट मीन्स दे आर हीडलेस, दे आर हीडलेस इफ दे वर इग्नोरिंग द स्मॉल बट ग्रोइंग कंटिंजेंट। कंटिंजेंट बोलते हैं ग्रुप को, और ये आपको एक कलेक्टिव नाउंस में भी आता है, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटिंजेंट ऑफ सोल्जर्स बोला जाता है ना, तो वैसे यहाँ पे कंटिंजेंट ऑफ यूजर्स मैंने लिखा है। देवर रिमिस दैट मीन्स देवर हीटलेस, देवर नेग्लेक्टफुल, देवर नेग्लिजेंट, देवर नॉट डेलिजेंट। नेग्लिजेंट का उल्टा है डेलिजेंट। देवर रिमिस टू इग्नोर द स्मॉल, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बेपरवाह थे किसके प्रति, छोटे लेकिन बढ़ते हुए ग्रुप के प्रति, इन उपभोगकर्ताओं के। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इतनी सारी वोकैबुलरी डाली थी मैंने, सिर्फ प्रेपोजिशंस का लेक्चर नहीं था ये, आपको आज बहुत सारे वर्ड्स जानने को मिले हैं। इन वर्ड्स को जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे आप करेंगे यूज़, तो ये आ जाएंगे आपकी डेली लाइफ में, और इसी तरह से आप ग्रो करते हैं, इसी तरह से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। तो ये तो थी वीडियो की बात। लास्ट में, हमारा चैनल इसी तरह से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाता रहेगा, डेल्टा डिफेंस एकेडमी, और इसलिए आप बिल्कुल ना भूलें कि इस चैनल को आपको ग्रो करने में हेल्प करना है, और आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होगी किसी भी फैकल्टी द्वारा, तो आपके पास आएगी नोटिफिकेशन और आप होंगे उसके सबसे फर्स्ट यूज़र, राइट। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और मैं लाता रहूँगा आपके लिए कंटेंट। दिस इज़ अंकित गौतम साइनिंग ऑफ। जय।